तो हेलो गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तुम्हारे भाई के चैनल पर जिसका नाम है ग्रेनेड किलर्स गेमिंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मिनिमलिस्ट क्लासिक का नया अपडेट कब आने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से तुम्हारे भाई लेके आ चुका है एक और नया वीडियो मिनिमलिस्ट क्लासिक के ऊपर, क्योंकि हम सबको एक मेल रिसीव हुआ था हमारे मिनिमलिस्ट क्लासिक वाले की डेवलपर्स की तरफ से। अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपको भी आया होगा और मुझे भी आया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मिनिमलिस्ट क्लासिक का नया अपडेट कब आएगा और उसमें हमें क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही नए नए अपडेट्स मिनिमलिस्ट के छोटे छोटे न्यूज़ और मिनिमलिस्ट लाइव स्ट्रीम भी होता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक के हम रखते हैं 80 लाइक्स, बोले तो 80 लाइक्स, तो फटाफट लाइक ठोक दो। तो भाई लोग बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो भाई लोग, तो सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग मिनिमलिस्ट क्लासिक खेल रहे हो कि नहीं। अगर खेल रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपको कितना मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मिनिमलिस्ट क्लासिक करके खेलने में कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक मेल आया है हम सभी के पास, तो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई लोग, सबसे पहले तो जो अभी टेस्टिंग वर्जन चल रहा है हमारा 0.03 जो अभी करंटली चल रहा है, तो सबसे पहले जो नया अपडेट आने वाला है उसमें डेवलपर्स ने साफ साफ कह दिया है कि हो सकता है कि ये 0 वर्जन अब ख़त्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब हमें नया वर्ज़न देखने को मिले जैसे कि 1.0, तो उसे हम हो सकता है कि उसे बेटा अपडेट भी कह सकते हैं ये लोग। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा करंटली 0.0 चल रहा है इसमें बहुत सारे बग्स हैं, ठीक है। तो अब जो नया अपडेट आएगा तो वो वर्ज़न चेंज हो जाएगा पूरा, वो हो जाएगा वर्ज़न 1। जी हाँ दोस्तों, वो हो जाएगा वर्ज़न 1 और वो हो जाएगा हमारा बेटा। तो ये कहा जा रहा है डेवलपर्स के तरफ से कि जो अब नया अपडेट आएगा वो 1.00 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये था बहुत ही बड़ा अपडेट है कि 1 में नया चेंज हो सकता है, हो सकता है बीटा वर्जन भी आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अपडेट कब आने वाला है। तो दोस्तों, उन्होंने क्लियर डेट तो अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप जैसा देख पा भी रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, कि उनका कहना यही है कि अभी भी इस गेम में बहुत सारे बग्स हैं और हम जैसे ही नए नए अपडेट्स लाते हैं तो उसमें बग्स आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, लेकिन वो अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया है कि भाई देखो, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि अपडेट कब आएगा, लेकिन उन्होंने ज़रूर बताया कि 1-2 हफ्ते के अंदर हमें मिनिमलिस्ट क्लासिक का नया अपडेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गेमांजो किंग की वीडियो देखते हो तो गेमांजो भाई ने भी यही बताया था कि 1-2 हफ्तों के अंदर हमें नया अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप मान के चलो कि फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले आपको मिनिमलिस्ट क्लासिक का नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम मैंने आपको बता दिया कि फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले आपको मिनिमलिस्ट क्लासिक का नया अपडेट देखने को मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। फिर आप उसको अपडेट करो और ज़िंदगी के मज़े लो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिमलिस्ट क्लासिक में हमें क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है न्यू अपडेट में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो एक लाइक का बटन जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, डेवलपर्स ने ये भी बताया है कि इस अपडेट में हमें ज़्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकते हैं थोड़े से बग्स कम हो जाए, जैसे कि आप हैकर्स को देखते हो दीवार के आर पार जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे हैकर्स आ रहे हैं उनको हम बैन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, उनकी पूरी कोशिश है कि गेम में जो भी हैकर्स आ रहे हैं उनको हम फटाफट बैन कर सकें या उनको कुछ रिपोर्ट करने वाला फंक्शन आए। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, बट अभी कुछ फिक्स नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि हमारा जो आर्मरी का नया ऑप्शन है जो अभी तक डिसेबल्ड है वो भी इनेबल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और नया पॉइंट सिस्टम भी आ सकता है। बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि एक नया लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा, जो बंदा सबसे ज़्यादा अच्छा खेलेगा वो नंबर 1 पे शो करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है पूरा जो भी उस मेल में लिखा हुआ था, उसका मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा सा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया हूँ मैंने, ठीक है,
मैंने आउटपोस्ट का, तो उसको जरूर देखना, ठीक है, जरूर देख के जाना। और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करो भाई, जो भी चैनल पर नए आए हो, क्योंकि आप सबको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, जब वीडियो देखना अच्छा लगता है तो क्यों नहीं करते हो, ठीक है दोस्तों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और ये गेम प्ले एंजॉय करो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस। Yeah.